Delhi World Public School, India's number one emerging school, jahan hai academics, sports and performing arts ka behtareen combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. अरे यार इधर पीछे भी इसको हटा ये कल से जो अचानक खाना बंद कर दिया था इसके बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए थे। यहाँ पे जिला प्रशासन को अवगत कराया निश्चित रूप से। अभी हम नगर निगम में जा रहे हैं, नगर निगम में बैठ के डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके इसका हल निकालेंगे। गिरफ्तारी का है कि गिरफ्तारी है, पब्लिक के लिए हम बनने को तैयार हैं। गिरफ्तारी किए थे इन्होंने तो हमको चोर उठाई गिरे हैं क्या? हम आए थे जनता के लिए, प्रॉब्लम आपने खड़ी करी। जब नगर निगम का सहयोग था तो नगर निगम के सहयोग के कारण ही हम 10-15 दिन से जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे थे। जिला प्रशासन का सहयोग करके आपने ही पार्षदों को भेजा जनता के बीच में सामग्री बांटने के लिए। एकदम जब निर्णय बदला तो आपने पार्षदों को क्यों नहीं लिया और एकदम बंद कर दिया? किसी का खाना आता आते बंद कर दिया तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई जैसा कि मालूम है कि कल शाम से अक्षय पात्र द्वारा जो खाना वितरित किया था वो नहीं किया जा रहा, और हर वार्ड में BLO द्वारा हठधर्मी की जा रही थी, उसी के द्वारा सब जा रहा था और पार्षदों को बिल्कुल ही पूछा नहीं जा रहा था। और इसीलिए हमने सारे पार्षद इकट्ठे होके कलेक्टर साहब के पास गए थे और अन्य अधिकारी को फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए सब इकट्ठे हुए। और आज अभी SP साहब ने सिविल लाइन्स थाने में ये कहा है कि ये खुद अधिकारियों से बात करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे और कल से अक्षय पात्र द्वारा खाने का वितरण सुचारू रूप से हो जाएगा और पार्षदों की पूरी भागीदारी रहेगी उसमें। नहीं नहीं देखिए, कुछ पार्षद थे जिनका कि ये कहना है कि उनके क्षेत्र में राशन का या खाद्य सामग्री का वितरण नहीं हो रहा, जिससे कि कई लोग हैं जिनको कि खाना नहीं पहुंच रहा है। इस चीज़ को लेकर के कुछ पार्षद जो कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हो गए तो उन्हें मैं लेकर के थाने आया था। बहुत डिटेल में उनसे बात हुई है और उनकी क्योंकि समस्या किसी व्यक्ति के भूख से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम कोई कठोर कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रहे। उन्हें वार्न किया गया है, उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई भी मुद्दा हो तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजें और आपकी हर इस तरह की समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रशासन लगातार इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। मेरी कलेक्टर साहब से ही बात हुई है, उन्होंने बताया कि इसका समाधान उन्होंने ढूंढ लिया है और हर व्यक्ति तक खाना पहुंचे, हर ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचे, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर ली है। लेकिन फिर भी मैं सभी पार्षदों ने जो बात की है उसके बेसिस पर हम फिर से बैठेंगे, बात करेंगे ताकि कहीं पर भी कोई किसी के पास भूखा रहने की या किसी के पास खाना नहीं पहुँच रहा है ऐसी समस्या नहीं हो। इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठवाए जाएँ।